हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्ले का यूज़ करके कैसे आप गार्डन स्टिक बना सकते हैं और अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ग्रे कलर की क्ले का यूज़ किया है। ये पॉटरी शॉप में आसानी से अवेलेबल होती है या आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये मुझे स्टोन के फॉर्म में मिली थी। मैंने इसे अच्छी तरीके से तोड़ लिया और इसमें पानी डाल के रख दिया। 3 से 4 घंटे में ये सॉफ्ट हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको चिकन स्टिक बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने पुराना कार्ड लिया है। आप वेडिंग कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इस कार्ड में मैं चिकन के पैर बनाऊंगी। ये मैंने एक पैर बना लिया है, ऐसा ही एक और पैर बना लेंगे। इसी तरीके से हम चिकन के विंग्स भी बना लेंगे। हमें 2 विंग्स बनाने हैं। ये मेरा एक विंग बन गया, एक और विंग बना लेंगे। अब लेग्स और विंग्स को मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने 2 लेग्स और 2 विंग्स काट लिए हैं। अब क्ले के हेल्प से मैं चिकन का स्ट्रक्चर बनाऊंगी और एक स्टिक उसके साथ अटैच कर दूंगी। अब मैंने जो लेग्स बनाए थे वो मैं इसमें लगा दूंगी। दूसरा लेग भी लगा दूंगी। इसी तरीके से जो 2 विंग्स हैं मैं उन्हें भी अटैच कर देती हूँ। इसे मैं पानी से चिकना करती रहूँगी। ये देखिए, दूसरा विंग भी मैंने अटैच कर दिया। ये मैंने चिकन के 2 आईज बनाई हैं, एक चोंच बनाई है, 3 मैंने एक जैसे बना के रखे हैं। ये कॉम्ब के लिए यूज़ करेंगे और ये बॉटल के लिए। सबसे पहले मैं इसकी आईज अटैच करूँगी। मैंने दोनों आईज लगा दी। इसके बाद ये बॉटल के लिए मैंने 2 एक जैसे पार्ट्स बनाए थे, ये मैं अटैच कर दूंगी। उसके बाद मैं इसकी चोंच लगा दूंगी। बॉटल भी लगाने के बाद ये देखिए, ये ऐसा कुछ दिखेगा। इसी तरीके से एक कैटरपिलर भी बनाई है जिसे आप गार्डन डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कैटरपिलर में 2 गोलों के बीच में मैंने एक स्टिक का यूज़ किया है ताकि आसानी से सेपरेट ना हो। चिकन को मैंने धूप में रख दिया है सूखने के लिए। कम से कम 24 घंटे के लिए मैं इसे धूप में रखूँगी। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसका यूज़ करूँगी। इसी तरीके से मैंने कुछ और भी एनिमल्स बनाए हैं। ये देखिए, मैंने काऊ बनाई है। अगर आप एनिमल का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं तो आप चाहें तो उनका फेस भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक फेस बनाया है। अब मेरी चिकन सूख चुकी है। अब मैं इसमें सबसे पहले वाइट वेज दे देती हूँ। मैं वाइट रंग से पूरा पेंट कर लूंगी। हाफ एन आवर रखने के बाद ये कलर अब सूख चुका है। अब इसमें मैं दूसरे पेंट करूंगी।
इसी तरीके से मैंने काउ को भी पेंट कर लिए हैं और कैटरपिलर को भी पेंट कर लिया है। अब देखिए कैटरपिलर पेंट होने के बाद कैसी दिखती है। इसी तरीके से चिकन को भी मैंने पेंट किया है। मेरे पास दो चिकन थे, एक को मैंने ब्लू कलर से पेंट किया है और दूसरे को मैंने ग्रीन कलर से पेंट किया है। मैंने इसकी वीक और लेग्स दोनों ऑरेंज कलर से पेंट किए हैं। इसी तरीके से आप काऊ को भी पेंट कर सकते हैं। मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर का यूज़ किया है। अब देखते हैं फाइनली ये पेंट होने के बाद कैसे दिखते हैं। इसी तरीके से मैंने एक शीप भी बनाई है। शीप को मैंने वाइट कलर से पेंट किया है और फिर एक कॉटन भी लगा दिया है। ये आप मेरी जिराफ स्टिक देख रहे हैं, ये मैंने 2 साल पहले बनाई थी। अगर ये गंदी होती है तो उसे मैं सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। गार्डन स्टिक लगाने के बाद आप देखते हैं मेरा गार्डन कैसे दिख रहा है। मैंने कुछ लेडी बग्स भी बनाए थे जिन्हें मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। जब भी मेरे घर बच्चे आते हैं वो इसे देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।